रोड में गड्ढे कर दे। कुछ हो गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। मैं ये वाली जैकेट पहन के बाइक वाइक चलाती हूँ और गलती से गिर जाती हूँ। तो हॉस्टल में आके रिसेप्शन से खुद ही नंबर ले लिया रजिस्टर से मेरा। और यार वो बच्चा तो नहीं दिखाता ही ना, उस बच्चे को मैं दिखी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की शुरुआत होती है पूल में डाइव से। होप टू डाई टू माय लव नेवर लाई। बिल्ली और बिल्ली का बच्चा भाग गई पूरा। एक और बच्चा पूरा। अरे अरे तो यार कल ना थकान उतार के स्विम करके वापस से थक के फिर से सो गए थे। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। आज मैं 5 बजे उठ गई क्योंकि 6 बजे निकलना है। बाकी लोग भी तैयार हो रहे हैं, मेरे को भी कपड़े चेंज करने हैं और हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने। तो 6 बजे निकलेंगे तो 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। 7 बजे अर्लीस्ट राफ्टिंग होती है ताकि थोड़ा धूप से भी बच जाए। तब तक आप यहाँ से व्यू देखो और स्टे का भी नज़ारा लो। उधर स्विमिंग पूल है, ये पूरा रूम्स और बंकर्स बेड है और वो कैफे है। और रात में 12 बजे तक भी यहाँ पर इतनी भीड़ लगी थी ना, सुबह सच में कोई जल्दी नहीं उठता। तो यार 6 बज गए हैं और सब लोग रेडी हो गए हैं। हम लोग ऊपर तक भी चले गए थे पर मैं एक चीज़ भूल गई थी, ये अभी राफ्टिंग करूँगी और वो पैडल चलाना पड़ेगा तो नेल्स काटने ज़रूरी है, वरना बड़ी नेल्स में कहीं लगती है ना तो बड़ी ज़ोर से लगती है। तो यार हम चारों ही लोग होंगे राफ्ट में और एक हमारा क्या होगा पायलट कैप्टन, एक हमारा कैप्टन होगा। बस अंगूठा लगाओ गाइस इस पे, साइन करने से कुछ नहीं होगा। क्या पता गलत साइन कर दो तुम लोग। नहीं भाई कुछ हो गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और यार मैं ऐसे ही नाखूनों के साथ जा रही हूँ क्योंकि इसने 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 नेल कटर गाड़ी में ही छोड़ दिया। अब इग्नोर देख लो कितने बुरी तरीके से कर रही है। और तुमने क्या अभी तुमने बोला कि मैंने गलती से नहीं छोड़ा। मुंह से निकल गई। हाँ सच्ची निकलती है मुंह से। गलती से नहीं छोड़ा, जानबूझ के छूटा है। गाइस हैव खीरा यहीं पे, रोड में गड्ढे कर दे। चलो गाइस असेंबल। ओए मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि अगर मैं ये वाली जैकेट पहन के बाइक वाइक चलाती हूँ और गलती से गिर जाती हूँ तो लगेगी आ जाएंगे। मतलब अपर बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, एल्बो पे वो पहन लूंगी एल्बो गार्ड्स। यार उतरने में भी दिक्कत हो रही है, काफ्स में दर्द हो रहा है। सुबह सुबह इतने सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे। हमको आते आते ना 8 बज गए, पर एक अच्छी बात ये है कि धूप नहीं है अभी भी। ये देखो ये बंदे जो नीचे राफ्ट लेके जाते हैं ना, उनके लिए रास्ता छोड़ देना होता है क्योंकि उनका मुँह ढका हुआ है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है। तो हमें राइट में उतर जाना होता है, लेफ्ट में उतरेंगे तो सीधा खाई में चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस देना पड़ता है बोट वालों को। तो यार सबकी राफ्ट उधर है, इतनी भीड़ लगी है देखो, और हमारी राफ्ट बोरी और ये वाला रास्ता हमें चल के जाना है। बिल्कुल अलग खड़ी है सबसे और ऐसे रास्ते पे। कैसा लग रहा, मजा आ रहा है सबको? लाउडली बोलेंगे गंगे मैया की हर हर, डर के आगे। देखो अभी आप लोग का दो रैपिड एक साथ आ रहा है जिसका नाम है इनिशिएशन द बॉडी सर्फ। रैपिड टाइम में पैडल फास्ट करना, डरना बिल्कुल नहीं। अपने ऊपर पानी भी आ गया, ऐसा नहीं कि डर के अंदर आ गए। जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहना और चलाते रहना जो कमांड मिलेगा। रेडी हो? चलिए फॉरवर्ड, बॉडी मूवमेंट करो, आप बॉडी को आगे पीछे करो, डरो मत, डर के आगे ही जीते, डरना मना है राफ्टिंग में। चलाओ चलाओ, डरो मत भैया आगे वाले। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है सबको? मुस्कुराइए थोड़ा। गंगे मैया की हर हर। इसको ज्यादा डर लगे वो पानी में कूद जाना। इस साइड रखना है राफ्ट की साइड। अब पहले दोनों पैर बाहर करो, यहाँ से रस्सी पकड़ो, आराम से उतरो इजी से। अगर किसी को ना उतरना हो तो? एक बार तो उतरना पड़ता है, कंपलसरी है। गंगा में आके राफ्टिंग कर रहे हो और पानी ना उतरे तो गलत बात है, कतई गलत बात है। हाथ छोड़ो उधर से, छोड़ो उधर से, छोड़ो वाला हाथ छोड़ो। यहाँ पे 80-90 फीट। रिलैक्स, थोड़ा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लंबे सांसें लो, रिलैक्स। ठीक है
ओके रेडी गाइस, अभी आप लोग का रैपिड आ गया, इसका नाम है डबल ट्रबल। पैर लॉक कर लो सब लोग, चलाओ चलाओ। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? मुस्कुराओ, डरो मत, घबराहट मत। चलाओ भैया, चलाओ 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 चलाओ। बैलेंस बना के, ये तो बच्चों वाला स्विमिंग कूदना हुआ यार। मारो डाइव, मारो एक बार, खड़े होके उठाना तो नहीं पड़ेगा। हाँ उठा, जाओ कूदो। वेरी गुड, आपको नौकरी पर रख लेगा सारे यहाँ ओनर लोग, बोट खींचने। तो यार अपनी राफ्टिंग हो चुकी है, वो जा रही है अपनी राफ्ट। कैसा लगा फर्स्ट टाइम? जानवी, जानवी को भी इधर ले गया, इधर आओ जानवी, इधर आओ, इधर आओ। कैसा लगा जानवी राफ्टिंग करके? सबसे अच्छी जानवी ने करी। जानवी रैपिड्स में भी कूद गई थी पानी में, वो भी डाइव सीधा। जानवी डाइवर प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स। एक बार पानी में गई जानवी, एक बार पानी में गई छपाक, फिर एक बार पानी में गई थी स्टार्टिंग में और वापस निकली है एंड पे। ठीक है, मजाक नहीं। तो यार हम राफ्टिंग करके आए थे, उसके बाद आके नहा वहा ली क्योंकि अभी गंगा आरती देखने जाना है, तो मैंने हेड वॉश भी कर लिया। और अभी कुछ बच्चे आए थे जो आपने देखा अभी क्लिप में, वो लोग मतलब हॉस्टल में आके रिसेप्शन से खुद ही नंबर ले लिया रजिस्टर से मेरा, और कॉल करके बुलाया फिर उन्होंने रिसेप्शन पे। तो यार अच्छा तो लगता है जब लोग मिलने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो यार हम लोग राफ्टिंग नहीं, हम लोग गंगा आरती देखने आए हैं शत्रुघ्न घाट पे, तैयार होके, फुल तैयार होके। और मैंने ये बॉटल ली है, इसमें मैं अभी गंगा जल भर के आती हूँ। गंगा आरती कंप्लीट हो गई है और हवा देखो कितनी ज्यादा चल रखी है। और वो जो आपको दिख रहा है ना, वो राम झूला है, वो जो दिख रहा है ना वो जानकी झूला है। और लक्ष्मण झूला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी अभी एक बच्चा आया था वो फूल बहाने के लिए बेच रहा था पानी में, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो फिर मैंने बदले में उसको प्रॉमिस करा है कि मैं उसको जाते टाइम एक टॉय दिलाऊंगी, तो उसको टॉय भी दिलाना है अभी। और यार वहाँ पे लगी हुई है आग पहाड़ों में, आग, और वो जब से बढ़ती ही जा रही है। फॉरेस्ट फायर एक बार लग जाती है ना, तो उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यार वो बच्चा तो नहीं दिखा कहीं ना, उस बच्चे को मैं दिखी, तो अभी गन्ने का रस पीने का मन हो रहा है, तो मैं एक गिलास बनवा रही हूँ अपने लिए। लेकिन मैंने मैनुअली ऑपरेट होने वाली गन्ने की मशीन पहली बार देखी है। तो भाई अभी मैं जा रही हूँ बंजी जंपिंग करने, गाड़ी भी निकल गई, हम साथ साथ वहीं से निकलेंगे, बाइक भी मेरी रेडी हो गई, पंछी उधर तैयार खड़ा है। बंजी बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश हो रहा है और डर भी लग रहा है, पर उस डर को ही ओवरकम करना है। और ये मेरा स्टे था हॉस्टल। चलो, ये थोड़ी ऑफ बीट लोकेशन है, ऋषिकेश से आगे आके है थोड़ा, नीलकंठ की साइड। भैया मुझे आगे जाने दो, ये मेरा रोड है, ये डिज़ायर का रोड नहीं है, ये हिमालयन का रोड है। ये
ये ऑफ रोड है, ऑफ रोड करने में मज़ा आता है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे स्टेज हैं और भी बन रहे हैं। तो ऋषिकेश ना थोड़ा ओवर क्राउडेड हो जाता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं थोड़ा इधर उधर स्टे करने का, तो हमने भी यही प्रेफर करा घोड़ू। और यहाँ पे ना नीचे सारे गाड़ी वाले अपनी गाड़ी ले जाके पता नहीं क्या करते हैं। मन तो मेरा भी था कि बाइक नीचे लेके जाके थोड़ा एडवेंचर करूँ, पर यार टाइम ही नहीं मिला। उछल गई बाइक। दोस्तों आ गया बंजी स्पॉट। वो तीन टायर्स देख रहे हो, उसमें से जो ग्रीन वाला है ना, सबसे लेफ्ट वाला, उस पे से करना है मेरे को। अभी दिल में ऐसे धक धक हो रेला है। यहीं पे पार्क करना है क्या बंजी को? बंजी को गेरी बाइक को इस वाले पे, स्प्लैश बंजी 109 मीटर। ओह माय गॉड, ये स्प्लैश बंजी के लिए आई हूँ मैं। पार्किंग किधर होगी? ये स्कूटी जहाँ से गई है, ठीक, थैंक यू। यहाँ से जाना है, यहाँ से। अरे भाई जेसीबी देख लो गाइस, जेसीबी देख लो। तो यार बंजी करने से पहले अभी लाइट ब्रेकफास्ट करा है, ब्रेड टोस्ट खाया है और राफ्टिंग हुई थी ऋषिकेश में। बंजी हो रही है शिवपुरी में, क्योंकि अभी रिवर का पानी ना बहुत फ्लो बढ़ गया है, तो शिवपुरी वाली राफ्टिंग बंद हो गई है। तो अभी बस 12 किलोमीटर की राफ्टिंग हो रही है, जिसके ऑफिस ऋषिकेश में है। हो जाएगा, कोई नहीं। Bye. Bye bye bye. I'm going. All the best. Best of luck. All the best. Bye. Bye. भाई ये देखो, हाइट देखो एक बार भाई, देख के हालत खराब हो रही है। Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized. By the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. कैसा रहा? बढ़िया था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने नीचे नहीं देखा, मैं सामने ही देख रही थी। बट होता है ना कि पता तो है ही कि नीचे ही जाना है, तो डर लगा, मैं नहीं कूदी। उसने मेरे को 1 2 3 बोला, मैं फिर नहीं कूदा गया। फिर दूसरी बार ये सोच के कि अब होगा जो होगा, अब यहाँ पे आई गई हूँ तो बैकआउट नहीं कर सकती, फिर मैं कूद गई। जो शुरू के 2 सेकंड होते हैं ना, जब वो कूदना होता है, वही सबसे टफ होता है, उसके बाद मज़ा आता है। तो ये वाली ट्रिप का एंड होने जा रहा है। अभी मैं वापस दिल्ली की तरफ जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, और अराउंड 5-6 घंटे लग जाएगा। ऋषिकेश तो मैंने क्रॉस कर लिया है, बहुत ही जाम था ऋषिकेश में, ऊपर से गर्मी इतनी है। और मेरे को सुनने में भी आया कि रिसेंटली दिल्ली में 52 डिग्री तक पहुँच गया, मतलब सही में। पहले हम एनवायरमेंट की बैंड बजाते हैं, फिर एनवायरमेंट हमारी बैंड बजाता है, टिट फॉर टैट। दिल्ली यहाँ से 230 किलोमीटर दूर। तो मैं अभी आपसे घर पहुँच के मिलती हूँ, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी घर पर आराम से बैठ के कि मेरे को मोटिवेशन कहाँ से आया। वो एंड मोमेंट वाला, जो 1-2 सेकंड वाला मैंने बताया था ना कि 1-2 सेकंड का ही होता है, वो वाला मोटिवेशन मेरे को कैसे आया, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं घर पहुंच गई हूँ, और गर्मी इतनी थी ना कि मेरे को हीट वेव के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे लू लग गई। तो अभी 2-3 दिन बाद मैंने रिकवर करा है। और जो बंजी जंपिंग की मैं एक वो चीज़ आपको बताने वाली थी कि वो जो 2-3 सेकंड का खेल होता है ना सारा, जब आपको कूदना होता है, उस टाइम पे मैंने खुद को मोटिवेट कैसे करा। तो उस टाइम पे मैंने ना मतलब वो सारी चीज़ें सोची जो लोग बोलते हैं ना, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें मेरे लिए मोटिवेशन होती है, ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ से। बंजी जंपिंग करी मैंने, यही रीज़न था। और जो भी चीज़ मैं करती हूँ आउट ऑफ द बॉक्स जाके, उन सब के यही रीज़न होते हैं। मुझे खुद को प्रूव करना होता है कि नहीं, मेरे में पोटेंशियल है और मैं चीज़ें कर सकती हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन रहती है। बाकी राइडिंग के रिगार्डिंग मेरी मोटिवेशन रहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, क्योंकि यार 80,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं अपने चैनल पे, और मेरे को 80,000 लोगों के लिए वीडियोस बनाना, ये भी मेरी एक मोटिवेशन रहती है। और आज जब ये वीडियो पोस्ट हो रही है, तो आज 8th of June है, और कल मतलब 9th of June को मेरा बर्थडे है।
तो इस बार 100 के पार, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर तो हो जाए, तो मुझे बर्थडे गिफ्ट दे देना। और मैं चाहती हूँ कि फटाफट अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स हों और फिर हम मीटअप करें और अपना सिल्वर बटन साथ में अनबॉक्स करें, बहुत मजा आने वाला है। ओके देन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।